प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ की जो वैकेंसी 2016 की थी वो पेंडिंग थी, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने चल रहे हैं और उसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहें, हम यहाँ पर आपको लाइव करके बताएंगे कैसे आपको करना है और कैसे आप अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं। इस बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी पाना चाहते हैं तो उसको भी हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सरकारी रिजल्ट खोल लेंगे। जैसा कि आप नीचे मोबाइल कैमरा में आप देख पा रहे हैं, हमने सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लिया है। सरकारी रिजल्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने दिख रहा है ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। UPSC जो दिख रहा था, UPSC RO ठीक है, इसको दिख रहा है। आप इसको नीचे देखते चले जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। जब यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखिए जिसको जूम करें थोड़ा सा, अगर जूम करेंगे तो ये आपको दिख पा रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है कि एक प्री एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चेंज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के बारे में दे रहा है। उस पर जाएंगे आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके सबसे ऊपर वाले पर आप क्लिक कर देंगे, लेकिन क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए क्लिक करने के बाद एक सेकेंड बस, हाँ देखिए ये इस तरह से एक पेज खुल के आएगा, जिस पेज के बारे में लास्ट में अगर आप देखेंगे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा जहाँ पर लिखा गया है, एक सेकेंड बस, जहाँ पर लिखा गया है आपको कि सबमिट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चॉइस, ठीक है, सबमिट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चॉइस। आप खोलेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आप इस पर ओपन करते हैं तो इस पर ओपन करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का एक पेज खुल के आएगा, जिसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको क्या फिल करना है, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर आपको फिल करना है जो है जेंडर अपना फिल करना है, ठीक है। आपसे पूछ रहे आप UP के निवासी, तो आपको उसको यस करना होगा अगर UP के हैं, अगर किसी और स्टेट के हैं तो आपको उसको नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, तो सिलेक्ट कैटेगरी आप जनरल OBC ST भर देंगे, उसके बाद कोड डालेंगे, कोड डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे तो ये वेरीफाई ले लेगा, ठीक है। मैंने कुछ फिल नहीं किया तो वेरीफाई नहीं लेगा, मैंने अपना चेंज कर लिया है। तो अब बात हम आपके लिए आगे की करते हैं कि सबसे पहले अब इसमें आप डाल के चेंज करेंगे ना तो वन टाइम OTP देगा, तो वन टाइम OTP देने के बाद आप OTP को सबमिट कर देंगे और OTP को सबमिट करने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आराम से अपना कार्य कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कट जाता है तो आप साइट पर चले जाएंगे जो उसकी मेन साइट है, और मेन साइट पर आप देखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेंज करना है। अब बात आती है हम अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ से प्राप्त करें। जब आप इसके देखेंगे, जब आप UPSC की साइट खोलेंगे तो उसमें सबसे नीचे आप चले जाएंगे, हम इसको जूम करके आपको दिखा दें, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए आपको दिख रहा होगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या देगा, देखिए यहाँ पे दे रहा है आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, पेरेंट मतलब पिताजी का नाम डालना, जन्मतिथि डालना और कोड डाल करके उसको आप भर देंगे तो आप जितने फॉर्म UPSC में भरे हैं सबका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा लेना है, RO 2016 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। उसे लेने के बाद आप सबमिट कर देंगे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिए, वहाँ जा करके सबमिट कर दीजिए तो आपको सेंटर चूज करने के लिए देगा। तीन सेंटर जब आप चूज कर लेंगे तो पहले सेंटर पे क्या, आप जो सेंटर आपको नज़दीक हो वो सेंटर आप चूज कर लीजिए, चूज करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा, तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए कैमरा बंद कर लें, तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा कि वो आपका सबमिट हो जाएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका सबमिट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती तो आप SMS करके जान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो आप जल्दी से अपना सेंटर चेंज कर लिए। 2016 में जो लोग हैं उनको आप बता दीजिए 19 तारीख से 25 तारीख तक ही सेंटर चेंज करने का मौका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।